दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते आज की हेडलाइंस। संवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा के युवक को कलेक्टर विजय दयाराम के ने बनाया शिक्षक। कांग्रेस भवन में मानकुराम सोढ़ी का पुण्यतिथि मनाया गया। चिंतलनार क्षेत्र से एक नक्सली को गिरफ्तार करने में मिली सफलता। अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी पर बस्तर पुलिस को कार्रवाई करने में सफलता प्राप्त हुई। अब खबरें विस्तार से। कलेक्टर विजय दयाराम के ने जिले के संवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा के बीटेक पास जुगल किशोर को आश्रमशाला में कंप्यूटर शिक्षक की नौकरी दी। कलेक्टर ने कहा कि बहुत कम लोग हैं जो अति संवेदनशील क्षेत्र से निकलकर उच्च शिक्षा ग्रहण किए हो। प्रशासन हमेशा ऐसे क्षेत्रों से निकलने वाले युवकों की सराहना और हर संभव सहयोग करने का प्रयास करती है। जुगल किशोर कोराम बस्तर जिले के संवेदनशील क्षेत्र चांदामेटा का निवासी है। जुगल ने प्रारंभिक शिक्षा कोलिंग से की, उसके बाद जगदलपुर फिर रायपुर प्रयास स्कूल से स्कूली शिक्षा ग्रहण किया और रायपुर के शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई की। पढ़ाई के दौरान उसे स्वास्थ्यगत दिक्कत होने लगी थी। जांच करवाने पर दिल से संबंधित बीमारी का पता चला। इस बीमारी की वजह से उसे आर्थिक हानि के साथ ही साथ ज्यादा चलने में दिक्कत होने लगी। विधानसभा चुनाव के दौरान चांदामेटा में पहली बार वोटिंग की प्रक्रिया किया गया। इस खबर को देखकर जुगल किशोर ने कुछ उम्मीद के साथ कलेक्टर से मिले। कलेक्टर ने जुगल के आवेदन पर आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। कोलिंग क्षेत्र के विकास कार्यों का निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने नियुक्ति हेतु आदेश जारी करने के लिए सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निर्देशित किया। कलेक्टर ने आश्रम के विद्यार्थियों से नए कंप्यूटर शिक्षक का परिचय करवाया। इस अवसर पर जुगल ने छात्रों को गणित और अंग्रेजी भी पढ़ाने की बात कही। पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय मानकुराम सोढ़ी की 7वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस भवन में आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय मानकुराम सोढ़ी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ ही उनके श्रेष्ठ कार्यों का स्मरण किया गया। इसके पश्चात उनकी स्मृति में शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के निर्देश में जिला बस्तर राजीव भवन में कार्यक्रम सुनिश्चित कर पुण्यतिथि मनाया गया। बस्तर के गांधी के नाम से विख्यात पूर्व सांसद एवं पूर्व मंत्री स्वर्गीय मानकुराम सोढ़ी 10 जनवरी को स्थानीय कांग्रेस राजीव भवन में पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान मौजूद रहे शहर जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य, रविशंकर तिवारी, नरेंद्र तिवारी, धर्म सोढ़ी, अगंद्र त्रिपाठी, जॉन शुता, भुवन झा, महेश द्विवेदी, संदीप दास, उस्मान रजा, अंकित सिंह, अनिल एवं समस्त कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। सुकमा बस्तर आईजी सुंदरराज पी के पर्यवेक्षण में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। सूचना मिली कि थाना चिंतलनार के सुरक्षा बलों के गतिविधियों की रेकी किया जा रहा है। सूचना पर संयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन नक्सली आरोपियों की धरपकड़ हेतु चिंतलनार के आसपास क्षेत्र की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान बंगाली पारा चिंतलनार के पास कुछ संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को अपनी ओर आते हुए देखकर भागने लगे, जिन्हें दौड़ाकर घेराबंदी कर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गए संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करने पर अपना नाम ताती जोगा चिंतलनार का होना बताया, जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सुपनगुड़ा मिलिशिया सदस्य के पद पर कार्यकर्ता बताया, जिसे थाना लाकर नक्सल रिकॉर्ड चेक करने पर ताती जोगा थाना चिंतलनार क्षेत्र अंतर्गत विधानसभा चुनाव वर्ष 2023 में मतदान दल के सुरक्षा बलों पर जान से मारने की नियत से आईईडी ब्लास्ट कर फायरिंग करने की घटना में अन्य नक्सली सदस्यों के साथ सम्मिलित था। गिरफ्तार नक्सली के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। 9 जनवरी 2024 को सूचना प्राप्त हुआ था कि 4 व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर ग्राम देवरगांव चौक पर उड़ीसा से रायपुर जाने के लिए आने वाले हैं।
सूचना पर हमरा स्टाफ में पहुंचकर घेराबंदी कर संदेही धर्मेंद्र सहानी, रवि कुमार सहानी, मनीष कुमार चौधरी, संजय सहानी को पकड़े, जिनकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 34 किलो 800 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 1,74,000 रुपए एवं नकदी रकम 4,300 रुपए और 4 नग मोबाइल बरामद हुआ। उक्त सामान को जब्त कर आरोपियों का कृत्य अपराध धारा 20 NDPS एक्ट का पाए जाने से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जगदलपुर न्यायालय पेश करने रवाना किया गया। राजधानी में आयोजित UCMS राज्य स्तरीय अबेकस प्रतियोगिता में जगदलपुर सेंटर से अलग अलग लेवल में कुछ 23 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें 8वें लेवल में वृद्धि पिल्लई फर्स्ट रनर अप एवं अंश कोटक को कोष पूर्ण करने के लिए मेडल एवं सम्मान पत्र प्रदान किया गया। वही 6वें लेवल में ऋत्विक वेलपुरी चैंपियन बने और डी अनरव आदित्य प्रथम रनर अप रहे। 3रे लेवल में अनमोल साव चैंपियन बने, ख्याति साव चौथे नंबर पर रही। वही 2रे लेवल में श्रेयांश पांडे चैंपियन बने और अच्युत गोयल फर्स्ट रनर अप रहे। पहले लेवल में असीम श्रीवास्तव, जेड लेवल में इशिका देवांगन ने रनर अप रहकर ट्रॉफी हासिल की। इसके साथ ही अनिराव पटेल, चक्रधर पलपोटू, प्रकृति पांडे प्रवण पलपोटू, अयांश शाह, पूर्ति कुलकर्णी, पावली कुलकर्णी, अनंत राम नैतिक जैन को मैरिट ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। अद्विका घोष, प्रियांश शाह, आराध्य जोशी, अक्षिता सोनी, सिद्धि जैन को पार्टिसिपेशन ट्रॉफी प्रदान किया गया। हमारे अबेकस में हर साल प्रतियोगिता होती है, जिसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता होती है, राष्ट्रीय स्तर पर होती है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतियोगिता होती है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता ज्यादातर रायपुर में होता है और इस साल ये 7 जनवरी 2024 को हुआ। रायपुर के द ब्रह्मविद ग्लोबल स्कूल में हुआ, जिसमें मेरे सेंटर से करीब 23 बच्चों ने भाग लिया था और जिसमें कि 18 बच्चे विजेता रहे, 9 बच्चे रैंकिंग में रहे और 9 बच्चे जो है मेरिट पे आए। ये एक बड़ी उपलब्धि है इस सेंटर के लिए, क्योंकि एक साथ बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे ट्रॉफी जीती। और रही बात अबेकस की, तो जनरली अबेकस को लोग समझते हैं कि ये गणित है, पर ये गणित नहीं है, ये पूरा ब्रेन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है, जिसमें बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन है, मेमोरी है, इमेजिनेशन है और जस्टिफिकेशन है, रीजनिंग पावर है, ये सारा बढ़ता है। बच्चों को देख के ज़्यादा देर याद रहता है, बच्चे जल्दी याद करते हैं, सुन के बच्चे जल्दी ध्यान करते हैं, तो ये सारा पावर या सारा जो उनका गुण है, ये सारा विकसित होता है अबेकस के माध्यम से। और बच्चे यहाँ पे गणित में तो बहुत अच्छे हो ही जाते हैं, क्योंकि उनका प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिविजन यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो जाता है, जिसमें उन्हें किसी चीज़ की या कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो मेंटली ही कैलकुलेशन करते हैं। तो ये तो पावर बढ़ता ही है, इसके साथ साथ उनका दूसरा सब्जेक्ट भी इसमें बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि बच्चे का जब एकाग्रता बढ़ता है, उनके याद करने की ताकत बढ़ती है, तो सारी चीज़ें वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा बेहतर तरीके से स्कूल में भी कर पाते हैं। तो इसका ओवरऑल फायदा ये होता है कि बच्चे हर क्षेत्र में इसमें अच्छा परफॉर्म करने की क्षमता रखते हैं या उनकी बढ़ जाती है। IPS शशि मोहन बस्तर के नए पुलिस अधीक्षक होंगे, राज्य सरकार ने उन्हें नई जिम्मेदारी सौंपी है। आपको बता दें कि IPS जितेंद्र सिंह मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं, लिहाजा उनके स्थान पर सरकार ने 2012 बैच के शशि मोहन सिंह को बस्तर SP की जिम्मेदारी सौंपी है। IPS जितेंद्र सिंह मीणा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान CBI में DIG होंगे। 10 जनवरी को विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु LED वैन कलेक्टर विजय दयाराम के मार्गदर्शन में जिले के 19 ग्राम पंचायतों में पहुंची। ग्राम पंचायतों में पहुंचे शासकीय योजनाओं के प्रचार वाहन का ग्रामीणों द्वारा उत्साह के साथ स्वागत किया गया। इस संकल्प शिविरों में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उत्साह पूर्वक शामिल हुए। इस मौके पर जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई, साथ ही LED वैन के माध्यम से शासन की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प संदेश को ग्रामीणों ने तन्मयता के साथ सुना।
इस मौके पर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी तथा क्षेत्र के पंचायत पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे। 10 जनवरी 2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति अपने आधिपत्य के दो बैग में अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा रखकर NH-30 मेन रोड झीरम घाटी के पास खड़ा होकर बस का इंतजार कर रहा है कि सूचना पर झीरम घाटी बंजारी माता मंदिर के पास में हमराह स्टाफ में पहुंचकर नाकाबंदी कर आरोपी राम कुमार बार से पिता स्वर्गीय हड़मा बार से निवासी थाना छिंदगढ़ जिला सुकमा को पकड़े, जिनकी तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से कुल 23 किलो 660 ग्राम मादक पदार्थ गांजा कीमत 2,36,600 रुपए एवं नकदी रकम 2,200 रुपए एक नग मोबाइल बरामद हुआ। उक्त सामान को जब्त कर आरोपी का कृत्य अपराध धारा 20 NDPS एक्ट का पाए जाने से आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध सदर कायम कर विवेचना में लिया गया एवं आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जगदलपुर न्यायालय पेश करने रवाना किया गया। कांकेर जिला मुख्यालय स्थित नया बस स्टैंड में यातायात पुलिस की टीम पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है और पाम्पलेट बांटकर किसी भी प्रकार की अफवाह में न आने कहा गया और यातायात प्रभारी गोविंद वर्मा ने नई धारा 106 नियम के बारे में जागरूक करते हुए बताया कि यह धारा सभी वाहन स्कूटर कार बस ट्रक सभी पर लागू होगा। साथ ही अकस्मात दुर्घटना होने पर ड्राइवर को मोबाइल से पुलिस को कॉल करना है और तत्काल नजदीकी थाने में पहुंचना है और आगे यह भी बताया कि जिस अकस्मात दुर्घटना में ड्राइवर फरार होता है या स्वयं पुलिस को सूचना नहीं देता है तथा तत्काल नजदीकी पुलिस थाने नहीं पहुंचता है उसी में अपराध गैर जमानत होगा एवं 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। साथ ही स्वयं सूचना देने एवं थाने पहुंचने पर अपराध जमानती होगा जिसे तत्काल जेल नहीं भेजा जाएगा और न्यायालय में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद ही कोई सजा होगी। भाई आप लोग बैठिए पहले, इनको इनको किनको नहीं दिया है धारा तो 8-10-15 नियम बताए गए। भाई आप लोग पूरे ड्राइवर बंधु लोग हो, आप लोग ध्यान दीजिए। नमस्कार, आप लोगों से निवेदन है, अपील है कि अभी ये धारा लागू नहीं हुई है ना, फिर आप लोग अफवाहों पर ध्यान नहीं देंगे। धारा 105 है जेकर चक्कर में थोड़ा परेशानी हो रही है, यह अभी नहीं है ना, इस चक्कर में भी गाड़ी घोड़ा कम चल रहा है ना, उनको ड्राइवरों को समझाया जा रहा है हमारे माध्यम से। मेरे द्वारा आदरणीय SP सर कांकेर के आदेशानुसार जितने भी बस या वाहन चालक हैं, भारी वाहन चालक हैं, ट्रक वाहन चालक भी हैं, इनको समझाइश दी जा रही थी कि अभी वर्तमान में जो अफवाह फैली हुई है भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के अंतर्गत कि इसमें सजा का प्रावधान है और जुर्माना भी है बहुत ज़्यादा करके, तो सभी को मैं बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में तो सबसे पहले इसको लागू नहीं है, है ना। भारत सरकार के मुख्य सचिव सर ने इसको स्पष्ट रूप से कहा है कि जब मीटिंग बुलाया जाएगा यूनियंस का तो उसमें जब सर्वसम्मति से उसके बाद इसको लागू किया जाएगा, तो इस संबंध में सभी वाहन चालकों को भाइयों को समझाइश दी गई है कि अफवाहों पर ध्यान न दीजिए करके, तो इन्होंने अपनी सहमति व्यक्त की है। उसमें क्या कुछ समझाइश दी सर, कुछ पता है? इसमें हमने बताया है कि इसमें अफवाह फैला हुआ है कि ये लोग अभी जान रहे थे कि यह सिर्फ ट्रक और भारी वाहनों में नियम लागू है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर पहली बात तो यह धारा लागू नहीं है, लागू होगी तो सभी प्रकार के वाहनों में लागू होगी। और अफवाह फैली हुई है कि अकस्मात दुर्घटना होने पर ड्राइवरों को मौके पर ही खड़ा होना, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दुर्घटना हो जाती है तो आपको सिर्फ आगे नज़दीकी कहीं भी पुलिस स्टेशन में आगे जाके उसमें आपको सूचना देना है या फिर 108 को सूचना देना है। इसका मेन उद्देश्य अगर कोई घायल व्यक्ति होता है उसको त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है। ग्रैंड न्यूज में आज के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।